Greetings, my dear kids. How are you all? I hope you all are safe and well at your home. Dear kids, as we have already completed our book exercise of chapter 1, today we will start the keywords of the same chapter. Keywords are the difficult words, okay, or the important words. वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिसकी आपको प्रोनंसिएशन, यू शुड नो द प्रोनंसिएशन एज वेल एज यू शुड नो द स्पेल. सो लेट अस रिकॉल और लेट अस डू द की वर्ड्स ऑफ द चैप्टर एट स्कूल इन इंग्लिश. फर्स्ट वर्ड इज एस सी एच डब्ल्यू एल, स्कूल. स्कूल मीन्स एवरीबडी नो, आप अपने स्कूल में जाते थे, है ना. नाउ due to COVID you are at home, so this word is school, S-C-H-W-L, school. You have to pronounce like this, school. Second word is B-O-O-K, book. Book, everybody know, जिसमें से मैम ने आपको read कराया, that is your book. So B-O-O-K, book. Third word is P-E-N, pen. C-I-L, sil, pencil. Again, I am repeating the word. P-E-N, pen. C-I-L, sil, pencil. Pencil, you know na, you are writing with pencil. That is pencil. Fourth word is C-H-A-L-K, chalk. Fourth word is C-H-A-L-K, chalk. I told you that in the chapter, the teacher writes with a piece of chalk. Chalk से लिख रहे थे ना, क्योंकि उनका ब्लैक बोर्ड था. ब्लैक बोर्ड पे हम जो है वो चौक का यूज करके लिखते हैं. फिफ्थ वर्ड इज डी ई एस के, डेस्क. डेस्क पे हम अपना क्या रखते हैं, बुक्स एंड नोटबुक्स. दैट इज डेस्क, जो आपके क्लासरूम में होता है. सिक्स्थ वर्ड इज बी एल ए सी के, ब्लैक. B-O-A-R-D, board, black board. पहले क्या होते थे बेटा, ब्लैक बोर्ड आर देयर, बट nowadays we are having the black, we are having the white board. पहले ब्लैक बोर्ड होते थे, लेकिन अब चेंजेस हो गए थोड़े, तो अभी व्हाइट बोर्ड होते हैं. एंड विद ऑन व्हाइट बोर्ड वी आर राइटिंग विद द हेल्प ऑफ द मार्क. सेवेंथ वर्ड इज B-E-N-C-H, bench. बेंच जिसके ऊपर बेटा आप क्लासरूम में बैठते हो, दैट इज कॉल्ड द बेंच. बी ई एन सी एच, बेंच. एट्थ वर्ड इज डी आर ए डब्ल्यू, ड्रॉ. ड्रॉ मीन्स कुछ, कोई भी पिक्चर या कुछ भी ड्रॉ करना, बनाना. सपोज आई एम ड्रॉइंग द सन, मैंने क्या ड्रॉ किया, सन. ओके, ड्रॉ, डी आर ए डब्ल्यू, ड्रॉ. नाइन्थ वर्ड इज सी ओ एल ओ यू आर, कलर. जब हम इसमें कोई भी कलर फिल करते हैं, डेट इज कॉल्ड कलर. ओके, रंग करना, उसमें कलरिंग करना. टेंथ वर्ड इज के डब्ल्यू पी, कीप. कीप मीन्स रखना. वी कीप द बुक्स एंड नोटबुक ऑन द डेस्क. डेस्क पे रख पे पढ़ते हैं ना हम क्लास में, सो के डब्ल्यू पी, कीप. Dear kids, now we will do the word meaning of same chapter. Okay, these are the word. ये words है बेटा, और ये इसके सामने इसके meanings. And this you have to write in the margin. ये जो है numbering जब आप करेंगे, तो ये margin में आपको लिखनी है while writing. Word meaning. First word is, these words are from your chapter only. आपके chapter से ही मैम ने words लिए हैं. And then I will explain their meaning in English. Okay. First word is P-I-E-C-E, piece. Piece means tukda. Piece. Piece means slice, you can say, or you can say B-I-T, bit. कोई छोटा सा bit, उसका tukda. Okay. So piece means bit. Piece, bit. B-I-T, bit. Our second word is T-H-I-N-G-S, things. Things क्या होती हैं, चीजें. And their meaning in English is items. I-T-E-M-S, items. So let us recall once again. First word is piece. Piece, bit. आप इसके इसके सामने लिखेंगे इसका word का meaning. Second word, things, items.
नाउ देर आर टू सेंटेंसेस और ऑल्सो देयर, मेक सेंटेंसेस। आपको ये वर्ड्स गिवन होंगे एग्जाम में एंड यू हैव टू मेक द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। आपको जो भी वर्ड्स मैम देंगी एग्जाम में, उन वर्ड्स की हेल्प से यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है, स्मॉल सेंटेंस। ओके, फर्स्ट वर्ड आई हैव टेकन इज बी डबल ओ के, बुक। बुक का हम सेंटेंस बनाएंगे, बुक, दिस इज अ बुक। ओके, यह एक बुक है। दिस इज अ बुक, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। दिस बुक इज ब्यूटिफुल, ये बुक बहुत ब्यूटिफुल है। सो यू कैन राइट मैनी सेंटेंसेस, बट जब आप लिखते हो बेटे, यू शुड नो द स्पेलिंग। पहले आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए। सो इजी सेंटेंस इज दिस, THIS, दिस, IS इज अ BOOK, बुक। जब भी आप सेंटेंस लिखेंगे, वाइल राइटिंग द सेंटेंस, फर्स्ट लेटर कैपिटल बड़ा बनाना है और सेंटेंस को एंड आपको फुल स्टॉप के साथ में ही करना है। सेकेंड वर्ड इज SIT, सिट। सिट मीन्स बैठना। सो सिट विद मी, फर्स्ट लेटर अगेन कैपिटल, बाकी स्मॉल आएंगे, छोटे आएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा बेटा। सिट, WITH, विद, ME, मी। सिट मीन्स बैठो, विद मीन्स साथ में, मी मीन्स मेरे, मेरे साथ में बैठो। सो सिट विद मी, दीज यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोट।